हेलो फ्रेंड, जस्ट एकदम में आप सबका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं 14 अक्टूबर 2018 तक के करंट अफेयर्स के वो सभी क्वेश्चन जो आज तक की तारीख तक बन सकते थे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन भी जरूर दबाएँ ताकि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। यदि आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो अपने फेसबुक और व्हाट्सअप ग्रुप पर इसे शेयर जरूर करें और लाइक ज़रूर करें। यदि आपको ऑनलाइन जीके की प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारी सरकारी रिजल्ट sre.co.in पर जाकर ऑनलाइन जीके की प्रैक्टिस कर सकते हैं और CCC से रिलेटेड आप इस पर क्वेश्चंस की ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, विश्व डाक दिवस कब मनाया गया? और ये क्वेश्चन का आंसर है 9 अक्टूबर। तो इस प्रश्न को हम दोबारा ले लेते हैं, विश्व डाक दिवस कब मनाया गया? और इस प्रश्न का उत्तर है 9 अक्टूबर। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने किस देश के साथ पारंपरिक चिकित्सा के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर किस देश के साथ राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है तजाकिस्तान। तो इस प्रश्न को दोबारा ले लेते हैं, अभी हाल ही में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने किस देश के साथ पारंपरिक चिकित्सा के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? वो है तजाकिस्तान। अगला प्रश्न है, युवा ओलंपिक खेलों में जेरेमी लाल निन्नुआंगा भारोत्तोलन में कौन सा पदक जीता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है स्वर्ण। प्रश्न को दोबारा लेते हैं, युवा ओलंपिक खेलों में जेरेमी लाल निनुंगा भारोत्तोलन में कौन सा पदक जीता है? तो उत्तर है स्वर्ण। अगला प्रश्न है, एशियाई खेल 2018 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? और इस प्रश्न का सही उत्तर है 11। प्रश्न को एक बार फिर कर लेते हैं, एशियाई खेल 2018 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? और आंसर है 11। अगला प्रश्न है, हाल ही में IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 2019 में भारत के कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है? और वो है 7.4%। प्रश्न को फिर दोबारा ले लेते हैं, हाल ही में IMF ने 2019 में भारत के कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है? उत्तर है 7.4%। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत तथा पश्चिम अफ्रीका सम्मेलन कहाँ हुआ? नाइजीरिया। प्रश्न को एक बार फिर ले लेते हैं, हाल ही में भारत तथा पश्चिम अफ्रीका सम्मेलन कहाँ हुआ? ऑप्शन आंसर है नाइजीरिया। अगला प्रश्न है, किस देश ने परमाणु सक्षम गौरी बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इस प्रश्न में शब्द आया है गौरी, और गौरी नाम की जो बैलिस्टिक मिसाइल है ये कई बार किसने लॉन्च की है? पाकिस्तान ने। तो इस प्रश्न को दोबारा ले लेते हैं, किस देश ने परमाणु सक्षम गौरी बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? वो है पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, युवा ओलंपिक खेलों में थांगचम तबाबी देवी जूडो में कौन सा पदक जीता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है रजत। अगला प्रश्न, इस प्रश्न को दोबारा लेते हैं, युवा ओलंपिक खेलों में थांगचम तबाबी देवी ने जूडो में कौन सा पदक जीता है? और आंसर है रजत। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री सशक्त किसान योजना किस राज्य ने शुरू की है? और आंसर है अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न को दोबारा ले लेते हैं, मुख्यमंत्री सशक्त किसान योजना किस राज्य ने शुरू की है? आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, सर छोटू राम की प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? तो सर छोटू राम की प्रतिमा का अनावरण किया है नरेंद्र मोदी ने। प्रश्न को एक बार फिर ले लेते हैं, सर छोटू राम की प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? नरेंद्र मोदी। हाल ही में सेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? और यह हुआ है नई दिल्ली में। प्रश्न को दोबारा ले लेते हैं,
हाल ही में सेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? दिल्ली में। अगला प्रश्न है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? और इस प्रश्न का सही उत्तर है 10 अक्टूबर। प्रश्न को दोबारा ले लेते हैं, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? उत्तर है 10 अक्टूबर। अगला प्रश्न है, नाटो देशों के साथ वायु सेना अभ्यास क्लीन स्काई 2018 किस देश ने शुरू किया? और वह है यूक्रेन। प्रश्न को दोबारा ले लेते हैं, नाटो देशों के साथ वायु सेना अभ्यास क्लीन स्काई 2018 किस देश ने शुरू किया? उत्तर है यूक्रेन। अगला प्रश्न है, निक्की हेली ने किस देश में राजदूत के पद से इस्तीफा दिया है? उत्तर है अमेरिका। अगला प्रश्न दोबारा ले लेते हैं, निक्की हेली ने किस देश में राजदूत के पद से इस्तीफा दिया है? उत्तर है अमेरिका। अगला प्रश्न है, युवा ओलंपिक खेलों में शूटर मनु भास्कर ने कौन सा पदक जीता है? उत्तर है स्वर्ण। अगला प्रश्न है, युवा ओलंपिक खेलों में शूटर मनु भास्कर ने कौन सा पदक जीता है? उत्तर है स्वर्ण। अगला प्रश्न है, किस देश के पासपोर्ट को दुनिया में सबसे शक्तिशाली नामित किया गया है? उत्तर है जापान। प्रश्न को दोबारा ले लेते हैं, किस देश के पासपोर्ट को दुनिया में सबसे शक्तिशाली नामित किया गया है? उत्तर है जापान। अगला प्रश्न है, किसने मोबाइल हेल्थ ऐप मेट वॉच लॉन्च किया है? उत्तर है भारतीय वायुसेना। प्रश्न को दोबारा लेते हैं, किसने मोबाइल हेल्थ ऐप मेट वॉच लॉन्च किया है? उत्तर है भारतीय वायुसेना। अगला प्रश्न है, सड़क एवं परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 1224 करोड़ रुपए की परियोजना की आधारशिला रखी है? प्रश्न दोबारा ले लेते हैं, सड़क एवं परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 1224 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? उत्तर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में चिकित्सा उत्पादों तक पहुंच पर दूसरे विश्व सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? उत्तर है JP नड्डा। और JP नड्डा हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। तो प्रश्न को दोबारा ले लेते हैं, हाल ही में चिकित्सा उत्पादों तक पहुँच कर पर दूसरे विश्व सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो उत्तर है JP नड्डा। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेस्कॉम ने बाल अधिकारों को मजबूत करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? उत्तर है यूनिसेफ। प्रश्न को दोबारा ले लेते हैं, हाल ही में नेस्कॉम ने बाल अधिकारों को मजबूत करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? उत्तर है यूनिसेफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में चक्रवात तितली उड़ीसा और किस प्रदेश के तट पर पहुंचा है? तो तितली किस पे पहुंचा है? आंध्र प्रदेश। प्रश्न को दोबारा ले लेते हैं, हाल ही में चक्रवात तितली उड़ीसा और किस प्रदेश के तट पर पहुंचा है? उत्तर है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में मानवता के लिए भारत पहल की शुरुआत किसने की है? उत्तर है विदेश मंत्रालय। प्रश्न को फिर से ले लेते हैं, हाल ही में मानवता के लिए भारत पहल की शुरुआत किसने की है? उत्तर है विदेश मंत्रालय। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता पर कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तर है दिल्ली। प्रश्न को फिर से ले लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता पर कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तर है दिल्ली। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? उत्तर है 11 अक्टूबर। प्रश्न को फिर से ले लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? उत्तर है 11 अक्टूबर। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गई हैं? और उत्तर है फ्रांस। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा बताना ज़रूरी हो जाता है कि राफेल विमान सौदा, जिसकी इस वक्त हवा बहुत गर्म आप महसूस कर ही रहे होंगे, रोज अखबार में बहुत कुछ आता है, तो उस डील को समझने और उस डील को
पूरी तरह से देखने के लिए हाल ही में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गई हैं? और वो गई हैं फ्रांस पे, क्योंकि हमने जो राफेल खरीदे हैं वो फ्रांस से ही खरीदे हैं। अगला प्रश्न है, ऑक्सफैम वर्ल्ड असमानता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? और ये रहा है 147वें। तो प्रश्न को दोबारा देख लेते हैं, ऑक्सफैम वर्ल्ड असमानता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 147वें। अगला प्रश्न है, युवा ओलंपिक में शूटर सौरभ चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? उत्तर है स्वर्ण। प्रश्न को दोबारा ले लेते हैं, युवा ओलंपिक में शूटर सौरभ चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? उत्तर है स्वर्ण। अगला प्रश्न है, पहली मिस ट्रांस क्वीन का खिताब किसने जीता है? उत्तर है वीना शेंद्रे। प्रश्न को फिर से एक बार लेते हैं, पहली मिस ट्रांस क्वीन का खिताब किसने जीता है? उत्तर है वीना शेंद्रे। अगला प्रश्न है, एशियाई पैरा खेल 2018 में हरविंदर सिंह ने कौन सा पदक जीता है? उत्तर है स्वर्ण। अगला प्रश्न है, एशियाई पैरा खेल 2018 में हरविंदर सिंह ने कौन सा पदक जीता है? उत्तर है स्वर्ण। अगला प्रश्न है, हाल ही में SCO की 17वीं CHG बैठक में किसने भाग लिया है? उत्तर है सुषमा स्वराज। प्रश्न दोबारा ले लेते हैं, हाल ही में SCO की 17वीं CHG बैठक में किसने भाग लिया है? उत्तर है सुषमा स्वराज। अगला प्रश्न है, हाल ही में PHDCCI के महासचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? उत्तर है महेश रेड्डी। प्रश्न को दोबारा ले लेते हैं, हाल ही में PHDCCI के महासचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? उत्तर है महेश रेड्डी। अगला प्रश्न है, किसी भी ओलंपिक में मेजबानी करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बना है? उत्तर है सेनेगल। प्रश्न को फिर से लेते हैं, किसी भी ओलंपिक में मेजबानी करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बना है? उत्तर है सेनेगल। अगला प्रश्न है, हाल ही में IIT मद्रास में किस राज्य में ई गवर्नेंस एजेंसी के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU हस्ताक्षर किए गए हैं? और उत्तर है तमिलनाडु। प्रश्न को फिर से लेंगे, हाल ही में IIT मद्रास में किस राज्य से ई गवर्नेंस एजेंसी के साथ MOU हस्ताक्षर किए हैं? MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और ये किए हैं तमिलनाडु राज्य ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का सॉलिसिटर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? और उत्तर है तुषार मेहता। प्रश्न एक बार फिर लेंगे, हाल ही में भारत का सॉलिसिटर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर है तुषार मेहता। अगला प्रश्न है, किस राज्य के केंद्रीय विश्वविद्यालय ने इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ समझौता किया है? उत्तर है जम्मू कश्मीर। प्रश्न को दोबारा लेंगे, किस राज्य के केंद्रीय विश्वविद्यालय ने इसरो के साथ समझौता किया है? उत्तर है जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, किस देश की सरकार ने मौत की सजा को समाप्त करने का फैसला लिया है? उत्तर है मलेशिया। प्रश्न फिर से लेंगे, किस देश की सरकार ने मौत की सजा को समाप्त करने का फैसला लिया है? उत्तर है मलेशिया। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक मानव पूंजी सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? उत्तर है सिंगापुर। प्रश्न को फिर से लेंगे, विश्व बैंक मानव पूंजी सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो उत्तर है सिंगापुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर अब्दुल रहमान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? उत्तर है पाकिस्तान। प्रश्न को एक बार फिर से लेंगे, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर अब्दुल रहमान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? उत्तर है पाकिस्तान।
अगला प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली सरकार ने किस देश के साथ ट्विन सिटी समझौता किया है? उत्तर है रूस। प्रश्न को फिर से लेंगे, हाल ही में दिल्ली सरकार ने किस देश के साथ ट्विन सिटी समझौता किया है? उत्तर है रूस। के एनबीआई ने किस बैंक से समझौता किया है? तो इसका उत्तर है एसबीआई। प्रश्न को फिर से लेंगे, नेपाल के एनबीआई ने किस बैंक से समझौता किया है? तो उत्तर है एसबीआई। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहला इंडियन इसराइल इनोवेशन सेंटर कहाँ खोला गया है? उत्तर है बेंगलुरु। प्रश्न को फिर से लेंगे, हाल ही में पहला इंडियन इसराइल इनोवेशन सेंटर कहाँ खोला गया है? और उत्तर है बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से समझौता किया है? तो उत्तर है उत्तराखंड। प्रश्न को फिर से लेंगे, हाल ही में किस राज्य ने एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से समझौता किया है? तो उत्तर है उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में गंगा बचाओ अभियान के किस समाज सुधारक का निधन हुआ है? उत्तर है जीडी अग्रवाल। प्रश्न है, हाल ही में गंगा बचाओ अभियान के किस समाज सुधारक का निधन हुआ है? उत्तर है जीडी अग्रवाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में जीएचआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत बच्चे कम वजन के हैं? उत्तर है 21%। प्रश्न को एक बार फिर लेंगे, हाल ही में जीएचआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत बच्चे कम वजन के हैं? उत्तर है 21%। अगला प्रश्न है, किस बैंक के सीईओ का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया गया है? उत्तर है बैंक ऑफ बड़ौदा। प्रश्न फिर से लेंगे, किस बैंक के सीईओ का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया गया है? उत्तर है बैंक ऑफ बड़ौदा। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया? उत्तर है 13 अक्टूबर। तो प्रश्न को फिर से लेंगे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया? उत्तर है 13 अक्टूबर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को अधिकतम वोटों के साथ यूएनएचआरसी के लिए चुना गया है? उत्तर है भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को अधिकतम वोटों के साथ यूएनएचआरसी के लिए चुना गया है? उत्तर है भारत। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को बढ़ाने के लिए समझौता किया है? उत्तर है अजरबैजान। प्रश्न फिर से लेते हैं, भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को बढ़ाने के लिए समझौता किया है? उत्तर है अजरबैजान। अगला प्रश्न है, एनएचआरसी के 25वीं वर्षगांठ समारोह पर उद्घाटन किसने किया है? उत्तर है नरेंद्र मोदी। प्रश्न को फिर से लेंगे, एनएचआरसी की 25वीं वर्षगांठ समारोह पर उद्घाटन किसने किया है? तो उत्तर है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, हाल ही में चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए कहाँ केंद्र शुरू किया गया है? उत्तर है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए कहाँ केंद्र शुरू किया गया है? उत्तर है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, भारत ने कहाँ सबसे अधिक जीका वायरस की पुष्टि हुई है? उत्तर है जयपुर। प्रश्न फिर से लेंगे, भारत में कहाँ सबसे अधिक जीका वायरस की पुष्टि हुई है? उत्तर है जयपुर। अगला प्रश्न है, पैरा खेलों में महिलाओं के शतरंज इवेंट में जेनिथा एंटो ने कौन सा पदक जीता है? तो उत्तर है स्वर्ण। प्रश्न को एक बार फिर ले लेंगे, पैरा खेलों में महिलाओं के शतरंज इवेंट में जेनिथा एंटो ने कौन सा पदक जीता है? तो वो है स्वर्ण। अगला प्रश्न है,